क्वेश्चन नंबर 161, अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज, जो हमने अभी एक सॉल्यूशन देखा था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, एक सॉल्यूशन ये है कि जो फ्री स्पेस है उनको एक तरफ ले जाओ और जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उनको एक तरफ ले जाओ, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन इज द सॉल्यूशन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 162, अनदर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज टू परमिट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिग्यूअस, परमिट स्मॉलर प्रोसेस टू बी लोकेटेड मेमोरी एट लास्ट, या फिर परमिट लार्जर प्रोसेसेस टू बी एलोकेटेड मेमोरी एट लास्ट। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसा कर पाए कि मेमोरी को, जो प्रोसेसेस को नॉन कॉन्टिग्यूअस स्पेस दे पाए, तो फिर हमें कॉम्पैक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर लेट से 2 KB आपका कहीं और अवेलेबल है और 4 KB कहीं और अवेलेबल है, तो आपको उसको अलग अलग स्पेस दे सकते हो। अगर किसी प्रोसेस को 6 KB चाहिए और 6 KB उसको कॉन्टिग्यूअस ना दें हम, ओके, नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में दे, तो कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बच सकते हैं। कैसे, लेट्स से एक प्रोसेस है P1 और उसको 6 KB की डिमांड है और मेमोरी की स्टेज अभी इस तरह से है, ये एक स्पेस फ्री है और ये ऑक्यूपाइड है 4 KB का एक पार्टीशन, और फिर यहाँ पे 4 KB अवेलेबल है और फिर 2 KB का लेट से पार्टीशन ऑक्यूपाइड है, ये 4 पार्टीशन है मेमोरी के अंदर। आपके पास में 6 KB अवेलेबल तो है लेकिन वो नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में नहीं है, 2 KB कहीं और है और 4 KB कहीं और है। अगर ये प्रोसेस अलाउ करती है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस में इसको स्पेस दे दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली 2 KB यहाँ अप्लाई करोगे, 2 4 KB यहाँ पे, अदरवाइज वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, उसमें आपको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। तो आपको कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में दे सकते हो। तो ये एक सॉल्यूशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। क्वेश्चन नंबर 163, इफ रिलोकेशन इज स्टैटिक एंड इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, कॉम्पैक्शन इज, क्या हमें कॉम्पैक्शन, क्या कॉम्पैक्शन कर सकते हैं फिर हम? रिलोकेशन का मतलब क्या है? रिलोकेशन का मतलब ये है, अगर आपने आप कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करते हो तो आप उससे पहले क्या करते हो, लोड करते हो। अब जब उसको लोड करोगे मेमोरी के अंदर, तो आप उसको एड्रेसेस दोगे कहीं पे, कुछ सेट ऑफ एड्रेसेस दोगे किसी प्रोग्राम को। अब वो सेट ऑफ एड्रेसेस, उसको बोलते हैं बाइंडिंग या रिलोकेशन। वो बाइंडिंग आप 3 तरह से कर सकते हो, कंपाइल टाइम, लोड टाइम या फिर रन टाइम बाइंडिंग। तो ये कह रहा है अगर आप कंपाइल टाइम बाइंडिंग करते हो तो क्या कॉम्पैक्शन कर सकते हो? अगर आपने पहले ही कंपाइल टाइम पे एड्रेसेस दे दिए तो वो एड्रेस फिक्स हो गए कि ये प्रोसेस इन्हीं एड्रेसेस पे हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि आप उन एड्रेसेस को मूव नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब ये प्रोसेसेस हैं, लेट्स से P1 यहाँ पर है, कुछ एड्रेस स्पेस है 000 से लेके 00F तक, फिर एक और प्रोसेस है वो यहाँ तक है P2, और फिर एक और प्रोसेस है वो लेट्स से यहाँ तक है, और लास्ट में एक प्रोसेस है P4। तो ये कह रहा है कि आप कॉम्पैक्शन कर सकते हो, कॉम्पैक्शन कैन नॉट बी डन, क्योंकि जब भी बाइंडिंग स्टैटिक होगी, स्टैटिक या फिर कंपाइल टाइम बाइंडिंग होगी, तो आप एड्रेसेस को मूव नहीं कर सकते हो रन टाइम पे, वो एड्रेसेस फिक्स हो गए हैं, इसलिए कॉम्पैक्शन किया ही नहीं जा सकता है। कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोसेस को मूव करते हैं ऊपर नीचे, यानी कि एड्रेसेस रीअसाइन करते हैं, दैट कैन नॉट बी डन इफ द बाइंडिंग इज स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 164, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन इनफ टोटल मेमोरी एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कॉन्टिग्यूअस, द टोटल मेमोरी इज इनएफिशिएंट इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, अ रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इवन व्हेन द टोटल मेमोरी इज फ्री, नन ऑफ द मेंशनड अबो। तो मैंने अभी बताई थी डेफिनेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, कि जब आपके पास में स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है, आप दे नहीं सकते हो किसी को क्योंकि वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है। तो आंसर है ए, इनफ टोटल मेमोरी एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कॉन्टिग्यूअस। क्वेश्चन नंबर 165, व्हेन द मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज स्लाइटली लार्जर देन द प्रोसेस, ओके, जब हम किसी प्रोसेस को मेमोरी दे रहे हैं जो कि मेन मेमोरी से बड़ी है, व्हेन द मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज स्लाइटली लार्जर देन द प्रोसेस, जब आपकी मेमोरी प्रोसेस से ज्यादा बड़ी है, मतलब कंडीशन कैसे है, लेट से ये मेमोरी है आपकी और इसमें 4 KB का एक पार्टीशन है और ये है लेट से 8 KB का एक पार्टीशन, एक प्रोसेस है P1 और उसका डिमांड है 3 KB की, तो आप उसका एक पार्टीशन दोगे, लेट से आपने उसको ये वाला पार्टीशन दिया 3 KB। तो ये कह रहा है कि जब मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस विच इज लार्जर देन द मेमोरी एलोकेटेड एंड देन द साइज ऑफ प्रोसेस, तो प्रोसेस का साइज क्या है 3 KB, एलोकेट कितना क्या है 8 KB, तो इस केस में क्या हो रहा है 5 KB का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है।
हो रहा है ना। तो आंसर इज ए। जब आप किसी भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करोगे उस प्रोसेस के साइज से ज्यादा, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 166। फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। ओके, फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड फ्रेम्स। जब आप बात करोगे फिजिकल मेमोरी की तो फ्रेम्स की बात करेंगे, जब आप वर्चुअल मेमोरी को डिवाइड करोगे तो आप पेजेस की बात करोगे। ओके, तो हम जब फिजिकल मेमोरी को इक्वल साइज के पार्टीशन में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम्स। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करता है? सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है वर्चुअल एड्रेस, एंड वर्चुअल एड्रेस को इंटरप्रेट करते हैं हम दो पार्ट्स में, पेज नंबर एंड ऑफसेट। लाइक दिस, दिस इज वर्चुअल एड्रेस। ओके, देन इस एड्रेस को हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि मेमोरी हमेशा फिजिकल एड्रेस को ही अंडरस्टैंड करती है। सो वर्चुअल एड्रेस इज लाइक दिस, पेज नंबर एंड ऑफसेट। इसको बोलते हैं पी मीन्स पेज नंबर, ऑफसेट मीन्स बाइट विद इन द पेज। ओके, सो पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। द इज यूज एज एन इंडेक्स इन टू द पेज टेबल। मैंने जैसे बताया था अभी पिछली बार भी कि ये सीपीयू है आपका, एड्रेस कन्वर्जन कैसे होता है? सीपीयू जनरेट करता है वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस है दो पार्ट्स में, पेज नंबर एंड ऑफसेट। इस पेज नंबर को आप लेके जाते हो पेज टेबल पे, और जो पेज नंबर है वो एज ए इंडेक्स यूज होगा पेज टेबल में। पेज क्या है ये? टेबल। ये क्या है? पेज टेबल, एक टेबल है उसमें इंडेक्सेस भी होंगे, और अंदर कंटेंट क्या है इसके? फ्रेम नंबर। लाइक दिस, मतलब ये कि पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 0 में, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 1 में, और पेज नंबर 2 मेमोरी के अंदर नहीं है, पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 4 में है। तो यहाँ से आपको फ्रेम नंबर मिल जाएगा, और ऑफसेट वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज, और इसी को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। इससे आप फाइनली मेमोरी एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो पेज नंबर जो है वो एज ए इंडेक्स यूज होगा पेज टेबल में। अगर आप यूज करते हो इन्वर्टेड पेज टेबल, इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या होगा? फ्रेम नंबर यूज होगा एज ए इंडेक्स। सो द पेज नंबर इज यूज एज एन इंडेक्स इन टू द पेज टेबल, तो यहाँ पे आएगा पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 169। द साइज ऑफ ए पेज इज टिपिकली इन द पावर ऑफ टू। पेज साइज जो भी होगा हमेशा पावर टू की पावर्स में होगा। विथ पेजिंग देर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हमेशा याद रखना पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा और सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जब भी फिक्स साइज पार्टीशन यूज करोगे, ओके, इक्वल साइज पार्टीशन यूज करोगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। पेजिंग में लेट से आपने कहा कि पेज साइज है मेरा जो कि 2 की पावर में होगा हमेशा 4 KB। ओके, मेमोरी का साइज है लेट से 4 GB, ये रैम का साइज है, तो आपकी मेन मेमोरी में कितने पेजेस होंगे? नंबर ऑफ पेजेस होंगे आपके पास में 4 GB डिवाइड बाय पेज का साइज, दैट इज 4 KB, विच मीन्स 2 to the power 20 पेजेस होंगे। ओके, 2 to the power 20 पेजेस, और इतनी पेज टेबल में एंट्रीज होंगी, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस। तो अब जब आप बात करते हो मेन मेमोरी की, तो ये है मेन मेमोरी जो कि पेजेस में डिवाइड है, इक्वल साइज पार्टीशन 4 KB KB के पार्टीशन हैं, पेजेस हैं। पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होगा लाइक दिस, फ्रेम का साइज भी 4 KB ही होगा क्योंकि पेज का साइज 4 KB है। तो ये फ्रेम्स हैं क्योंकि ये मेन मेमोरी का पार्ट है। ओके, ये है मेन मेमोरी। तो जब कोई प्रोसेस आएगी P1, और प्रोसेस का जरूरी नहीं है कि वो डिमांड करे मेमोरी 2 की पावर में, जब भी उसने कहा कि लेट से उसको 2 KB चाहिए, तो 2 KB किसी भी पेज में साइन कर देंगे, यहाँ पर लेट से यहाँ पे साइन कर दिया, लेकिन पेज फ्रेम का साइज है 4 KB और एक पार्टीशन एक ही प्रोसेस को दे सकते हैं, तो यहाँ पे 2 KB का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पार्टीशन जो है वो वेरिएबल साइज के हो तो उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, लेकिन पेजिंग में कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। विद पेजिंग देर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज देयर, देर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 171. फॉर एवरी प्रोसेस देर इज ए पेज टेबल. हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग पेज टेबल होगी. फॉर एवरी प्रोसेस देर इज ए पेज टेबल. क्वेश्चन नंबर 172. इफ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द टीएलबी देन इट इज नोन एज टीएलबी मिस. टीएलबी क्या है? टीएलबी मीन्स ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. बफर मीन्स क्या है? मेमोरी है. मेमोरी कैसे है? कैश मेमोरी है, एक छोटी सी कैश मेमोरी जिसको हम यूज करते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी बोलते हैं. एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं. एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर हम पेज टेबल यूज स्टोर करेंगे. हमेशा याद रखना टीएलबी के अंदर कभी डेटा स्टोर नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ पेज टेबल स्टोर होगी. रिसेंटली एक्सेस्ड पेज नंबर उसके अंदर स्टोर होंगे. तो पहले सीपीयू जो भी वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, जैसे उसने कहा पेज नंबर एंड ऑफसेट, तो आप पहले इस पेज नंबर को कहाँ लेके जाओगे? टीएलबी के अंदर लेके जाओगे. ओके, यह है टीएलबी जिसके अंदर पेज टेबल पड़ी हुई है. तो अगर वो पेज आप यहाँ से रेफरेंस कर पाए तो ठीक, अगर यहाँ पे मिला तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे फिजिकल एड्रेस में, नहीं मिला तो पेज टेबल सर्च करोगे मेन मेमोरी के अंदर. तो कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के अंदर अगर डेटा मिलता है उसको बोलते हैं कैश हिट. क्वेश्चन नंबर 174. टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन डायनामिक लोडिंग इज यूज. विद डायनामिक लोडिंग अ रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड. फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायनामिक लोडिंग स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड. स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल. स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल. यूजर प्रोग्राम कैन इम्प्लीमेंट डायनेमिक लोडिंग विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर. तो ये कह रहा है कि अगर आपको डायनेमिक लोडिंग यूज करनी है, डायनेमिक लोडिंग का मतलब ये कि जिस टाइम जो पेज चाहिए उसी टाइम उसको लोड करो. फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम मेन मेथड के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर कोई रूटीन कॉल होगा तभी उसके डेफिनेशन लोड करो. जब भी कोई रूटीन चाहिए हो तभी उसका कोड रूटीन करो, उससे पहले नहीं करना है. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑब्वियसली आपको दो चीज है. पहली चीज तो वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की जरूरत पड़ेगी. तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की जरूरत है मतलब क्या है कि आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. तो स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम बोथ आर रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 175. इन पेज्ड मेमोरी सिस्टम इफ द पेज साइज इज इंक्रीज्ड देन द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जनरली. अगर आपने पेज का साइज इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा या कम होगा? मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे लेट्स से एक प्रोसेस P1 है और इसको 3 KB की डिमांड है और पेज साइज है लेट्स से आपका 4 KB. ओके, पेज साइज हमेशा याद रखना 2 की पावर्स में होगा. ये पेज साइज था 4 KB. तो इस केस में आपने ये पार्टीशन दिया तो 3 KB दे दिया और 1 KB का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ. ओके, लेकिन आपने क्या किया? पेज का साइज इंक्रीज कर दिया. अगर आप पेज का साइज इंक्रीज कर दो, लेट से आपने 4 KB से 8 KB कर दिया है, अगर ये 8 KB हो गया तो क्या होगा इस केस में? अब इस वेस्टेज कितना होगा? ओके, ये 8 KB हो गया तो वेस्टेज होगा वो 5 KB का होगा, क्योंकि 3 KB डिमांड थी प्रोसेस की. तो अब जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा वो 5 KB का हो गया, यानी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है. तो बिकम्स मोर, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बिकम्स मोर. 176. द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अलाउज अ डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड इंटरप्ट. जब भी आपको सीपीयू को कुछ भी नोटिफाई करना है तो आप यूज करोगे इंटरप्ट लाइन का. लेट से कोई सीपीयू ने किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोई काम दिया, उसने अब कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस काम कंप्लीट करने के बाद में सीपीयू को इंटरप्ट करेगा कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, उसी को बोलते हैं नोटिफाई करना. तो कोई भी आईओ डिवाइस सीपीयू को नोटिफाई करेगा इंटरप्ट के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 177. द सीपीयू हार्डवेयर हैज अ वायर कॉल्ड व्हाट दैट द सीपीयू सेंसेस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शन. तो जैसे आपका लेट्स से ये सीपीयू है, इसके अंदर कुछ वायर्स होती है जैसे INTA, ये सीपीयू की तरफ को होगी INTA लाइक दिस. इसका मतलब क्या है? INTA क्या है? इंटरप्ट एक्नोलेज इंटरप्ट रिक्वेस्ट. दिस इज INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन. मतलब यहाँ से इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आएगी बाहर के डिवाइसेस से और सीपीयू इस लाइन के थ्रू उसको एक्नोलेज करेगा.
यानी कि जो इनपुट ये जो लाइन होगी ये बाहर की तरफ होगी, INTA। तो सीपीयू क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद में इंटरप्ट लाइन को चेक करता है कि कहीं कोई इंटरप्ट तो नहीं आया है। कोई भी सीपीयू के पास पर इंटरप्ट आएगा, सीपीयू हमेशा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है पहले उसको कंप्लीट करेगा, तब इंटरप्ट को चेक करेगा, तब उसको एक्नॉलेज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और बीच में ही आप इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर दोगे। पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में तब इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने जाओगे। तो सीपीयू हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद में इंटरप्ट लाइन को चेक करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी इन केस ऑफ इंटरप्ट वो ऐसे होगी, दो ही काम होंगे इंस्ट्रक्शन के साथ में। पहले आप इंस्ट्रक्शन को फैच करोगे मेमोरी से रजिस्टर्स की तरफ। इंस्ट्रक्शन फैच करना मतलब यह कि इंस्ट्रक्शन उठा के लाना मेन मेमोरी से रजिस्टर की तरफ, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में आप चेक करोगे इंटरप्ट, ठीक है। तो अगर इंटरप्ट आया तो आप इंटरप्ट को एक्नॉलेज करोगे, इंटरप्ट नहीं आया तो फाइनल दोबारा से वहीं पे जाओगे इंस्ट्रक्शन फैच, अगला इंस्ट्रक्शन फैच एग्जीक्यूट देन इंटरप्ट चेक करो, जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। यह है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इसका आंसर है इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। इस लाइन को हमेशा सीपीयू चेक करता रहेगा हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 178। इन जनरल द टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन्स आर मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल और नॉन मास्केबल का मतलब क्या है? कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होगी वो दो तरह की हो सकती है, तो मास्केबल होगी या फिर नॉन मास्केबल होगी। मास्केबल इंटरप्ट लाइन है, इसका मतलब ये कि इसको आप डिसेबल कर सकते हो। नॉन मास्केबल का मतलब ये है कि इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई इंटरप्ट लाइन डिसेबल कर दी, इसका मतलब ये कि आप उस लाइन से इंटरप्ट नहीं आ सकता। अगर उसको अगर अगर कोई भी इंटरप्ट लाइन आपने डिसेबल कर दी, आपने मास्क कर दी, इसका मतलब क्या है कि उस लाइन से इंटरप्ट नहीं आ सकता है। अब ऐसा ही है जैसे आप आपने डोर बंद किया हुआ है और आप डोर बंद करके कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपने अंदर से लॉक कर लिया, दैट इज मतलब आपने इंटरप्ट आप उसने आपको अपने अपने रूम को लॉक कर लिया है, कोई बाहर से आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं इंटरप्ट को डिसेबल कर देना। तो इसी तरह सीपीयू के पास में कोई भी इंटरप्ट लाइन दो तरह की हो सकती है, तो मास्केबल या नॉन मास्केबल। मास्केबल मीन्स वो इंटरप्ट लाइन डिसेबल की जा सकती है, नॉन मास्केबल मीन्स वो इंटरप्ट लाइन डिसेबल नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 179। इन वॉट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड मैग्नेटिकली ऑन प्लेटर्स। मैग्नेटिकली नाम ही बता रहा है मतलब क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। हमेशा याद रखना मैग्नेटिक डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, जो भी डेटा फाइल्स सॉन्ग्स एनी थिंग यू विल स्टोर ऑन द डिस्क, दैट विल बी फॉर्म्ड इन द मैग्नेटिकली फॉर्म। ओके, बिट्स विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। ओके, सो एक मैग्नेटिक डिस्क जो होगी इसमें बहुत सारे प्लेटर्स होंगे, प्लेटर्स के ऊपर ट्रैक्स होंगे, ट्रैक्स के ऊपर सेक्टर्स होंगे और सेक्टर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। ये बात है मैग्नेटिक डिस्क की। क्वेश्चन नंबर 180। द हेड्स ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर अटैच्ड टू वॉट दैट मूव्स ऑल द हेड्स एज ए यूनिट। तो अगर आपने हार्ड डिस्क देखी हो तो हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से दिखती है। एक एक आर्म असेंबली है जिससे सारे के सारे प्लेटर्स आपके अटैच्ड हैं, और ये आर्म असेंबली के ऊपर इनको बोलते हैं रीड राइट हेड। दोनों तरफ है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अगर आपका जो जो ट्रैक है अगर वो दोनों तरफ से है, अगर जो प्लेटर है प्लेटर भी दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो आप दो यूज़ करोगे, दो रीड राइट हेड हर एक प्लेटर पे। ओके, ये पूरा प्लेटर है, प्लेटर के ऊपर ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के अंदर ये सेक्टर्स हैं, ये हैं सेक्टर्स, ठीक है। तो सारे के सारे जो आपके प्लेटर्स हैं वो एक चीज़ से कनेक्टेड है, वो है स्पिंडल। ये जो आपकी लाइन है इसको बोलते हैं स्पिंडल, जो रोटेट करती है, उसके साथ में ट्रैक भी रोटेट करते हैं। द हेड्स ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर अटैच्ड टू समथिंग दैट मूव्स ऑल द हेड्स एज ए यूनिट। तो किससे किससे अटैच्ड है आपके सारे के सारे रीड राइट हेड? ओके, स्पिंडल से या फिर डिस्क आर्म से या फिर ट्रैक से या फिर नन ऑफ द मेंशनड अबव। तो सारे के सारे रीड राइट हेड जो है वो आर्म असेंबली से, डिस्क आर्म जिसको बोलते हैं, और जो आपके इस प्लेटर्स से, प्लेटर्स कनेक्टेड है किससे? स्पिंडल से। क्वेश्चन नंबर 181। द सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट वन आर्म पोजिशन मेक्स अप अ मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, असेंबलीज या फिर सिलेंडर। सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट वन आर्म पोजिशन मेक अप अ सिलेंडर। ओके, ये जो आपके ट्रैक्स हैं इसको बोलते हैं सिलेंडर। ये हर एक प्लेटर से एक एक ट्रैक लेगा अपने अंदर और उससे बनाएगा एक सिलेंडर। सेम ट्रैक हर एक, लेट्स से ये ट्रैक नंबर 1 है,
तो हर एक प्लेटर का ट्रैक नंबर वन सिलेंडर के पास होगा, उसको बोलते हैं सिलेंडर, जो जो हर एक प्लेटर से एक एक ट्रैक लेगा। क्वेश्चन नंबर 182, द टाइम टेकन टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर इज कॉल्ड सीक टाइम। तो जब भी आप रीड राइट करते हो तो इनिशियली रीड राइट हेड जो होगा वो रैंडमली किसी भी ट्रैक पे पड़ा हुआ होगा। अब जो आप डेटा एक्सेस करोगे वो किसी ट्रैक के किसी सेक्टर के अंदर पड़ा हुआ होगा, तो आपको करेक्ट ट्रैक तक लाने का जो टाइम है उसको बोलते हैं सीक टाइम। अब उस ट्रैक के अंदर भी बहुत सारी सेक्टर्स हैं, तो करेक्ट सेक्टर तक आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। दैट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम टेकन फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट द डिस्क हेड इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। करेक्ट ट्रैक सेक्टर के नीचे आने के लिए पहले आप करेक्ट सेक्टर के अंदर आओगे, करेक्ट ट्रैक के अंदर आओगे, ट्रैक के अंदर फिर करेक्ट सेक्टर के अंदर आओगे। क्वेश्चन नंबर 184, द डिस्क बैंडविथ इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑफ ऑन द लास्ट ट्रांसफर। द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑन द लास्ट ट्रांसफर नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। डिस्क बैंडविड्थ का मतलब ये कि सिंपली कि कितनी बाइट ट्रांसफर कर रहा है पर यूनिट टाइम में। जैसे आपने देखा होगा नेटवर्क की बैंडविड्थ है, नेटवर्क की बैंडविड्थ कैसे होती है 100 MB/s, इसका मतलब क्या है कि वो 100 MB/s ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरह डिस्क की जो बैंडविड्थ है वो है टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड, द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड डिस्क बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 185, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इंटू सेक्टर्स दैट द डिस्क कंट्रोलर कैन रीड एंड राइट बिफोर ए डिस्क कैन स्टोर डेटा इज नोन एज व्हाट। तो जब भी आप नई हार्ड डिस्क खरीद के लाओगे तो उसमें दो चीज़ करोगे, पहले उसके पार्टीशंस करोगे, उसके बाद में उसको फॉर्मेट करोगे। तो जब आप उस फॉर्मेट कर रहे हो किसी भी डिस्क को तो आप क्या कर रहे हो, सेक्टर्स क्रिएट कर रहे हो अपने ट्रैक्स के अंदर। ओके तो वही ये पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इंटू सेक्टर्स दैट अ डिस्क कंट्रोलर कैन रीड एंड राइट, उसी को बोलते हैं पार्टिशनिंग या फिर लो लेवल फॉर्मेटिंग। सॉरी नॉट पार्टिशनिंग, लो लेवल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप एक हार्ड डिस्क को सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हो जिन पे आप फाइनली डेटा स्टोर करोगे। क्वेश्चन नंबर 186, द टू स्टेप्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स टू यूज द डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल्स आर। तो आप कोई भी नई हार्ड डिस्क लाओगे विदाउट पार्टिशनिंग एंड लॉजिकल फॉर्मेटिंग आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, पहले आपको उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट से क्या होगा, आपके ब्लॉक्स बन जाएंगे हार्ड डिस्क के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेक्टर्स को ही ब्लॉक बोलते हैं। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम जब हार्डवेयर को देखता है, जब हार्ड डिस्क को देखता है, वो सेक्टर्स की फॉर्म में नहीं देखता है, वो ब्लॉक्स की फॉर्म देखता है। तो ब्लॉक क्या है, लॉजिकल यूनिट ऑफ स्टोरेज है एक। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पार्टिशनिंग एंड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। ओके सो पहली चीज़ जो भी आप हार्ड डिस्क पे करोगे डेटा स्टोर करने से पहले वो करोगे पार्टिशनिंग एंड लॉजिकल फॉर्मेटिंग, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187, द प्रोग्राम इनिशियलाइजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, कौन सा प्रोग्राम, फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर्स टू डिवाइस कंट्रोलर्स एंड द कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी एंड देन स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा प्रोग्राम आपके सिस्टम के सारे डिवाइसेस को इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद में सीपीयू रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करेगा और मेन मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेगा। तो एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है, इनिशियली रोम में स्टोर्ड होगा। ओके रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर्ड होगा और ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर। तो रोम ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करेगा कि अवेलेबल है या नहीं है कीबोर्ड माउस और जिस जो भी चाहिए होता है कंप्यूटर को एक स्टार्ट करने के लिए। पहले सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करेगा, उसके बाद में फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना स्टार्ट करेगा हार्ड डिस्क से और मेन मेमोरी के कुछ पोजिशंस पे, या तो अपर पोजिशंस पे, अपर एड्रेसेस पे या फिर लोअर एड्रेसेस पे, उसी को बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। फॉर मोस्ट कंप्यूटर द बूट स्ट्रैप इज स्टोर्ड, जैसे मैंने भी बताया रोम। फॉर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स द बूट स्ट्रैप इज स्टोर्ड इन द रोम। क्वेश्चन नंबर 189, और ये क्वेश्चन है गेट 2007 का, मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। लेट अ मेमोरी हैव फोर फ्री ब्लॉक्स ऑफ साइज 4K, 8K, 20K एंड 2K। दीज ब्लॉक्स आर लोकेटेड फॉलोइंग द बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी। ओके द एलोकेशन रिक्वेस्ट आर स्टोर्ड इन ए क्यू लाइक दिस। द टाइम एट विच द रिक्वेस्ट J7 विल बी कम्प्लीटेड विल बी, किस टाइम पे J7 की रिक्वेस्ट कम्प्लीट होगी। ओके तो रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से है कि J1 से लेके J8 तक आपकी जॉब्स हैं और ये रिक्वेस्ट करिए कि इतना इतना स्पेस उनको चाहिए इतने इतने टाइम के लिए। J1 को 2K स्पेस चाहिए मेमोरी के अंदर 4 यूनिट टाइम के लिए, J2 को 14K चाहिए 10 टाइम यूनिट्स के लिए,
और आपके पास में मेमोरी के अंदर अवेलेबल हैं कुछ पार्टीशंस, और वो पार्टीशंस ऐसे हैं 4K, 8K, 20K एंड 2K। तो इस तरह के पार्टीशन से आप पहले J1 आई, J1 को चाहिए 2K, आप यूज़ कर रहे हो बेस्ट फिट से। बेस्ट फिट का मतलब ये कि कम से कम आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो। तो पहले J1 आई, 2K चाहिए, आप कहाँ दोगे, आप यहाँ पे दोगे। ओके, यहाँ पे आपने J1 को मेमोरी दे दी, यहाँ पे J1 को दी, और J1 यूज़ करेगा उसको 4 टाइम यूनिट्स के लिए, उसके बाद में फ्री कर देगा। फिर J2 आया और टाइम चल रहा है, टाइम याद रखना, टाइम 0 से चल रहा है। तो J2 है, J2 को चाहिए 14K। अब 14K कहाँ पे दोगे, यहाँ पे नहीं दे सकते हो, यहाँ पे नहीं दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे अपने J2 को 14K दे दिया। अब यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है 6K का। फिर J3 आया, J3 को चाहिए 3K, तो J3 को आप यहाँ पे दोगे। ओके, और इसको 10 टाइम यूनिट के लिए चाहिए, और इसको 2 टाइम यूनिट्स के लिए चाहिए। अब J4 आया, J4 को चाहिए 6K, इसको भी इजिली आप यहाँ पे दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब J5 आया, J5 को 6K चाहिए। अब टाइम क्या हो चुका है अभी तक, लेट से इसको ये 4 सेकेंड के लिए चाहिए J1 को, इसको 10 सेकेंड के लिए चाहिए, और इसको इसको चाहिए आपका 2 सेकेंड के लिए, और ये 8 सेकेंड्स के लिए लेट से। तो इस तरह से अब 8 टाइम यूनिट के बाद में J4 फ्री होगा। इसका मतलब क्या है कि J5 को आप 6K दे सकते हो 8 टाइम यूनिट के बाद में। सो जो टाइम था 0 से लेके 8 तक, वो आपने रखा J4 को। फिर जो आपके J5 आया, J5 इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब 8 टाइम यूनिट के बाद में J5 आएगा, इसको वेट करना पड़ेगा 8 टाइम यूनिट के लिए। अब J5 आएगा, वो रन करेगा आपका 8 से लेके 14 तक, क्योंकि इसको 4 टाइम यूनिट्स के लिए यूज़ करना है। अब J6 आया, इसने पूछा हुआ किसके बारे में, J7 के बारे में। J6 आया, उसको 10K चाहिए, 10K कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ओके, लेकिन ये J2 यूज़ कर रहा है कब से कब तक, J2 यूज़ कर रहा है 0 से 10 तक। ओके, 0 से लेके 10 टाइम यूनिट्स तक J2 यूज़ कर रहा है। अब 10 टाइम यूनिट्स के बाद में ये फ्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि J2 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, J6 से, और J6 रन करेगा 1 टाइम यूनिट के लिए, दैट मीन्स 10 से 11 तक। अब J7 आया, उसको चाहिए 7K और 8 सेकेंड्स के लिए चाहिए। ओके, तो अब क्या होगा, 8 से 12 तक ये रन कर रहा है। अब 12 पे फ्री होगा ये वाला स्पेस, क्योंकि J7 को कहाँ दोगे, आप यहीं पे दे सकते हो। अब टाइम यूनिट 12 पे ये फ्री हो जाएगा, और 12 पे आप इसको असाइन कर दोगे, यानी कि 12 प्लस 8, क्योंकि इसको 8 टाइम यूनिट्स के लिए चाहिए, और 20 पे ये अपनी काम करने के बाद में कंप्लीट कर चुका होगा J7। ओके, यहाँ पे J7 को रिप्लेस कर दोगे, और J7 रन करेगा 12 से लेके जब ये फ्री होगा, और 8 उसको यूज़ करना है टाइम यूनिट्स, मिस मीन्स 20 पे भी फ्री हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे, और वो क्वेश्चन है गेट 1993 से। द फॉलोइंग पेज एड्रेसेस इन द गिवन सीक्वेंस आर जनरेटेड बाय प्रोग्राम 1234 1352 1543 23। दिस प्रोग्राम इज रन ऑन डिमांड पेज वर्चुअल मेमोरी विथ मेन मेमोरी इक्वल साइज टू 4 पेजेस। इंडिकेट द पेज रेफरेंस फॉर विच पेज फॉल्ट अकर्स फॉर द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स LRU एंड FIFO। तो आपको दो एल्गोरिथम यूज करनी है, LRU एंड FIFO, और पेज रिप्लेसमेंट करनी है एक मेमोरी से जिसमें आप 4 फ्रेम्स अवेलेबल हैं। ओके, यह है पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ये वर्चुअल मेमोरी है जिसके अंदर पेजेस आ रहे हैं। तो LRU यूज़ करोगे और FIFO यूज़ करोगे, आपको बताना है कि कौन कौन से पेज फॉल्ट होंगे। पहले 1 आया, 1 आपने रख दिया, मेमोरी फुल होने के बाद ही पेज रिप्लेसमेंट होना शुरू होगा। 2 आया, वो भी पेज फॉल्ट है, क्यों, जो पहली बार आएगा वो पेज फॉल्ट होगा क्योंकि वो मेमोरी के अंदर नहीं है। 3 आया, वो भी पेज फॉल्ट है, फिर 4 आया, वो भी पेज फॉल्ट है। ओके, उसके बाद में 1 आया, 1 पहले से मेमोरी के अंदर है तो पेज फॉल्ट नहीं है। 3 आया, वो भी पेज फॉल्ट नहीं है। 5 आया, वो पेज फॉल्ट है। 5 को रिप्लेस किससे करोगे, आपको यूज़ करनी है LRU एल्गोरिथम। LRU का मतलब ये है कि जो बहुत देर से यूज़ नहीं हुई है उसको रिप्लेस करो। तो लीस्ट रिसेंटली यूज के अकॉर्डिंग, अभी अभी कौन कौन सी यूज़ हुई है, 4 यूज़ हुई है, 1 यूज़ हुई है,
और थ्री यूज हुई है, 3, 1, 4 अभी अभी यूज हुए हैं, तो 2 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है अभी इसमें। आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, 1 नहीं रिप्लेस कर सकते हो, 3 नहीं रिप्लेस कर सकते हो, 4, क्योंकि ये अभी अभी यूज हुए हैं। तो आपको यहाँ पे क्यू में देखना है कि कौन बहुत पहले यूज हुआ था, तो 2 बहुत पहले यूज हुआ था, इसका मतलब क्या है कि 2 को आप रिप्लेस कर दो इससे 5 से। अब अगली रिक्वेस्ट है आपकी 2, 2 मेमोरी के अंदर नहीं है, पहले था लेकिन रिप्लेस हो गया, तो 2 भी पेज फॉल्ट है। अब 2 को रिप्लेस किससे करोगे, 5, 3, 1, 4 से रिप्लेस नहीं कर सकते, 5, 3, 4 से रिप्लेस नहीं कर सकते, सबसे लास्ट में कौन है इनमें से देखना है, 5, 3, 1, 4 सबसे लास्ट में 4 है, तो 4 से रिप्लेस करोगे जो लीस्ट रिसेंटली यूज है। अब आपका आया 1, 1 पहले से ही है मेमोरी के अंदर, तो नो पेज फॉल्ट। अब 5 आया, 5 मेमोरी के अंदर है, नो पेज फॉल्ट। 4 आया, 4 मेमोरी के अंदर नहीं है, तो रिप्लेस करना पड़ेगा, 5, 1, 2 अभी अभी आए हैं, यानी कि 3 के साथ में रिप्लेस करोगे, 4 पेज फॉल्ट है, 3 के साथ में रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में 3 आया, 3 मेमोरी के अंदर नहीं है, तो रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 4, 5, 1, 4, 5, 1 अभी अभी यूज हुए हैं, तो 2 सबसे लास्ट में यूज हुआ था, दिस मीन्स 3 विल बी रिप्लेस्ड विद 2। अब 2 आया, 2 मेमोरी के अंदर नहीं है, तो ये भी रिप्लेस करेगा किसी को, 2, 3, 4 अभी भी है, यानी कि 2, 3, 4, 3, 4 अभी भी यूज हुआ है, 5 भी अभी भी यूज हुआ है, तो 1 बहुत लेस्ट लीस्ट रिसेंटली यूज है, यानी कि 1 2 से रिप्लेस हो जाएगा, और 3 पहले से मेमोरी के अंदर है यहाँ पर, तो ये पेज फॉल्ट नहीं है। तो LRU के केस में कितने पेज फॉल्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LRU केस में 9 पेज फॉल्ट होंगे। इसी तरह आप फीफो के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 189, यह है क्वेश्चन नंबर 190, एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 191। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम बैलडी एनोमली। सो बैलडी एनोमली एक एलमनी है, एक प्रॉब्लम है जो किन्हीं एल्गोरिथम से, एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आती है, एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। और इसका मतलब यह है कि लेट से आपने एक मेमोरी को पेजेस दिए हुए थे, एक प्रोसेस को 3 पेजेस दिए हुए थे, 3 फ्रेम, 1, 2, 3 ओके, और पेज फॉल्ट थे इस केस में 4। अब आपने नंबर ऑफ जो अवेलेबल जो अलोकेटेड फ्रेम्स थे वो बढ़ा दिए, वो आपने 4 कर दिए, लेकिन पेज फॉल्ट अभी भी कम होने चाहिए थे, अगर मेमोरी ज़्यादा है तो पेज फॉल्ट तो कम होने चाहिए थे, लेकिन पेज फॉल्ट अब बढ़ रहे हैं ड्यू टू रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसको बोलते हैं वैलिडिटी एनोमली, व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स अलोकेटेड टू ए प्रोसेस एंड स्टिल पेज फॉल्ट आर इंक्रीजिंग, दैट फिनोमिना इज नोन एज वैलिडिटी एनोमली। और वो एक एल्गोरिथम में होगा, वो होगी फीफो, ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वैलिडिटी एनोमली होती है।